हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबको स्वागत है प्लेस डाइनो का एक और नया एपिसोड में। एंड गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा था पिछले एपिसोड में, जो है ना, हम लोग ने यहाँ पे अपना छोटू सा घर बना लिया था एंड साथ साथ में हमें वहाँ पे एक मेगा थीरियम भी मिला था। बट वो अनफॉर्चुनेटली वो मेल था, तो इसलिए हम लोग उसको टेम नहीं कर पाए। बट आज जो है ना, हम लोग यहाँ पे जाके देखने वाले हैं मेगा थीरियम को, ढूंढने वाले फीमेल वाला मेगा थीरियम को एंड कोशिश करने वाले अपना आर्मी को बनाने के लिए। तो देखते हैं वो कितना पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेगा थीरियम मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो शुरू करने से पहले ना, यहाँ पे भाई अपना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्लिच काहे हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हम लोग हिल नहीं पा रहे, फाइनली हिल पाए। वाह भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ग्लिच चल रहा है, इसलिए मतलब यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें यहाँ पे सब कुछ ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे जाके आज जो है ना, हम अपने लिए एक फीमेल ढूंढने का कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अपना आगे जो है यहाँ पे ये करने के लिए, अपना आर्मी बिल्ड करने के लिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, तो हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा खतरा दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पे मतलब टाइटन और शार्क को भाई हर एक चीज़ यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर मैं गई तो मेरे साथ ऐसे उंगली करने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सब कुछ छोड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन पे चल के देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे मेगा थीरियम मिलता है कि नहीं। अगर हमें मेगा थीरियम मिला है ना, अपने पास चीज़ें वगैरह नहीं, तो हम लोग वहीं पे बेस जो है अपना बिल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है। एंड मैं भाई अपना जो डायरेक्शन है ना, काफ़ी ज़्यादा वीक है, मैं भूल जाती हूँ, मैं रास्ता भटक जाती हूँ। तो जहाँ पे मिले एंड अगर वहाँ से हम लोग अगर अपना घर याद रहे, तो हम लोग घर पे वापस रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम लोग जो है ना वहीं पे घर बना लेंगे। बट अभी घर बनाने का तो सोचा, पर दो दो तक जो है ना यहाँ पे एक भी मेगा थीरियम मेरे को दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि मैं ये एरिया पे पहले भी आ चुकी थी एंड अभी भी वहीं पे घूमे जा रहा हूँ, बट यहाँ पे जो है मुझे कोई भी दिख नहीं रहा है। तो पहले यहाँ पे मैप पे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला, ढूंढ लेते हैं। जैसे मुझे कोई भी फीमेल मिल जाए ना मेगा थीरियम, तो आपसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे घूमते घूमते अपना बैंड बजेगा, इतना तो मेरे को पता है। तो इस मुझे लग रहा है कि आगे एक मेगा थीरियम है, वो एक्चुअल में मेगा थीरियम है कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, मेरे को लग वैसे रहा है। नहीं, ये तो बियर है, चलो ये गलती हो गई। मैं यहाँ पे मतलब ये एरिया पे आके, ओ आगे मिल गया मिल गया। मैं यहाँ पे आगे जाके घूम रहा था, यहाँ पे बहुत सारा कारनो वगैरह, एंड मैं वापस से यहाँ पे अटक चुकी। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अटकती हूँ, तो यहाँ से चलते हैं। शायद ये दो में से एक तो पक्का फीमेल होना ही चाहिए, मैं मेल ही, तो मेरे को फीमेल मिल जाए तो मज़ा आ जाता। अरे हट भाई, क्या दिक्कत है कारनो कारनो भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देता है। मेरे डैमेज इतना कम कैसे जा रहा है? इससे दो दो कारनो मेरे पे हमला कर रहा है भाई, ये कर लो तुम पहले। अरे मार मेगा थीरियम, एक कारनो मर चुका है, अभी नेक्स्ट कारनो दे जा पर। यहाँ पे भाई ये कारनो को काफ़ी ज़्यादा कम ये पड़ रहा है, डैमेज पड़ रहा है, तो अभी देखते हैं। अरे मर जा रहे कारनो, का है इतना उंगली करे जा रहा है। ओके, यहाँ पे जो है कारनो मर चुका है। सो यहाँ पे दो दो मेगा थीरियम दिख रहा है, क्या पता एक फीमेल निकल जाए। ओके फाइनली ये फीमेल था, तो यहाँ पे जो है ना हमें यहाँ पे फीमेल मिल तो रहा है। भाग मत भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। तो जब तक ये होगा हम लोग अपना इसमें लेवल अप भी दे देते हैं। मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट फाइनली यहाँ पे हमें एक फीमेल मिल चुका है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो हम लोग यहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ने यहाँ पे घर बना लिया तो अपने लिए वो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। एंड साथ साथ में जो साइड में ना, अगर वो वापस से फीमेल निकले ना, तो अपना जो है काम 25 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे घर बिल्ड कर सकते हैं। सो हम लोग घर बिल्ड करके यहाँ पे पानी का साइड में, मैंने बोला था ना पानी का साइड में हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो हमें यहाँ पे एक तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, एंड इसको भी यहाँ पे शिफ्ट करते हुए हम लोग इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। पानी का एरिया पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। सो हियर वी गो, इसको भी हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया है। मेगा थीरियम के लिए तो हमें मतलब वो बीबी दे ही देगा। सो हम लोग यहाँ पे एक बार मर के जो है ना वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो एक और एक मेगा थीरियम हम लोग ने देखा था, अगर वो फीमेल है तो वापस से वो हमारे मतलब हमारे लिए काम आ सकता है। सो हम लोग को यहाँ पे स्पॉन होना है। ज़्यादा डिस्टेंस तो था नहीं अपना मतलब इसका, फिर भी अभी यहाँ पे इसको वहाँ पे रख के जो है हम लोग अभी हमें दूसरा जो मेगा थीरियम है ना उसको ये करने के लिए देखना पड़ेगा।
अरे क्या दिक्कत है भाई, क्यों उंगली कर रहा है चुटकू सा? निकल मर जा। चलो अभी ये मर चुका है तो हमें यहाँ पे और एक मेगाथीरियम दिखा था तो हम लोग इसके यहाँ पे जा रहा है। ओके ये भी फीमेल है तो अच्छी बात है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, भाग का ही रहा है ये भाई। यहाँ पे ये मेगाथीरियम को कुछ तो बफ हो रहा है तो हमें इसका पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, ये रह ही नहीं रहा है। हम लोग ने ऑलरेडी एक को तो ये कर दिया है सो हम लोग यहाँ पे दूसरा को करने का कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग चल रहा है तो हम लोग इसको भी टेम कर लेते हैं। हम लोग ने एक को तो टेम कर लिया, ये यहाँ पे अटक चुका है, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दूर दूर से भाग रहा था दूर। सो यहाँ पे जो है अपना दो दो मेगाथीरियम टेम हो चुका है गाइस। तो अभी काम 25 हो चुका है, जैसे मेरे को फॉलो कर ले। अरे आजा भाई अभी पीछे कर, पीछे आजा। ओके अभी हम लोग अपना जो है ना बेस में चलते हैं, वहाँ पे मैंने और एक यहाँ पे रखा है अपना। यहाँ पे दो दो बीवी हो चुका है तो शायद दोनों ही है। अब इसका कितना टाइम लगेगा, ये देगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, मतलब कितना टाइम लगने वाला। अगर मतलब हम लोग का यहाँ पे जो है ना अगर अंडा हो तो काफ़ी जल्दी हम लोग को पता चल जाता है मतलब, पर यहाँ पे हैच होने के लिए मतलब दूसरा जो है यहाँ पे ये लोग बेबी को देगा तो कितना टाइम लगने वाला है वो मेरे को नहीं पता। तो हम लोग को अगर इसको लेवल अप वगैरह आया है तो इसको चेकआउट कर लेते हैं, शायद इसका यहाँ पे लेवल अप आ चुका है तो इसका हम लोग यहाँ पे लेवल अप दे देते हैं। अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को खास, इसका 14K का हो चुका है। अभी रेस दे देते हैं इसका डैमेज पे। सो लेट्स गो, इन लोग का तो भाई हेल्थ और ये मतलब मेरी से भी ज़्यादा है बट इसका हेल्थ वापस से रिजन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो हम लोग इसको बेरी खिला देते हैं। शायद बेरी से थोड़ा हेल्थ बढ़ जाए। हाँ आई डोंट थिंक कि वो कुछ काम कर रहा है फिलहाल। वो भाई 1K का डैमेज दे दे उसने, सही है। एंड ये दूसरा वाला जा कहाँ पे रहा है? अरे रुक जा भाई, जा कहाँ रहा है? लगता है कि ये गुस्सा हो गया, मैं इसको लेवल अप दे रहा था तो ये गुस्सा हो के जो है ना यहाँ से जा रहा है। तो इसका अभी हेल्थ दिख नहीं रहा। अरे हो जा। ओके 20K का हेल्थ हम लोग ने दे दिया है। स्टेमिना पे इसमें एक पॉइंट दे देते हैं एंड रेस जो है ना इसका भी सब डैमेज में दे देते हैं। उसका 1K का डैमेज आ रहा था 100 समथिंग लेवल होने के बावजूद भी, इसका देखते कि इसका कितना डैमेज जाता है। तो अभी तो इन लोग का और भी लेवल अब बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ से जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। एंड यहाँ पे ओ भाई फिट रॉमिट बोल के आ रहा था, मैं उसको टेम कर सकता था भाई, मैंने उसको टेम किया नहीं। अरे रुक जा, यहाँ पे फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी जल्दी मतलब काफ़ी अंधेरा हो चुका है ये बारिश का चक्कर में तो इसलिए। अरे यहाँ पे मेगाथीरियम आ चुका है क्या? अरे मुझे लगा यहाँ पे मतलब बच्चा जो है ना बॉर्न हो चुका है बट यहाँ पे हुआ नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकते हैं, बारिश का भी ये देख लेते हैं, साथ में देखते हैं कि यहाँ पे बच्चा पैदा होने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे इसको ये करे जा रहा था बट यहाँ पे जो है ना अपना जुवेनाइल मतलब ये भाई जुवेनाइल हो चुका है कैसे, मतलब यहाँ पे बेबी भी हो चुका है एंड इसको मतलब जो है ना ये जुवेनाइल भी हो चुका है। मेरे को पता नहीं कि मतलब ये कैसा हुआ बट मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा था, मैं इसका वेदर जो है वेदर साफ़ करने का कोशिश कर रहा था बट यहाँ पे जो है अपना बेबी भी होके यहाँ पे जुवेनाइल भी हो चुका है। तो हम लोग उसको थोड़ा फीड कर लेते हैं, शायद ये फीड करने से ये खुद ब खुद बाद में बड़ा तो हो ही जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे इसके अंदर बेरीज डाल के रख देते हैं एंड वेट कर लेते हैं इसको बड़ा होने के लिए। यहाँ पे एक तो ऑलरेडी आ चुका है तो आई थिंक दूसरा को भी आना चाहिए था बट यहाँ पे दूसरा जो है ना मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एक मिनट, अपना ये जो मेगा थीरियम है इसको यहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है, ये इतना दूर क्यों जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंड वो बेबी भी कहाँ से, वो बेबी मेरे को नहीं पता। सो हम लोग इसको फॉलो करवाते हैं एंड फॉलो करने के बाद जो है अपना घर पे चले जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है एंड साथ साथ में जो है ना यहाँ पे हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक्चुअली दो होना चाहिए था बेबी तो, बट यहाँ पे एक ही है तो आई थिंक कोई मरा भी नहीं है एंड यहाँ पे कुछ है भी नहीं। सो यहाँ पे ये आ चुका है, अभी इसका क्या ही बोले। यहाँ पे जो है ना अपना यहाँ पे मतलब बेबी हमें एक ही मिला, यहाँ पे दो दो प्रेगनेंट शायद लगता है कि एक का हुआ ही नहीं तो दूसरा का यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। अगर होने से भी शायद हम लोग मतलब वेदर को रिमूव करने का चक्कर में यहाँ पे अपना बेबी का भी पेटी बन चुका होगा बट नो वरीज, हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक मिल चुका है एंड बाद में जो है ना
हम लोग का जो ये दो मतलब मेगा थ्योरी मैंने टेम किया ना, ये लोग ही काफ़ी है आगे जाके बैटल लेने के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बताना कि आज का जो एपिसोड है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पे जो है ना हम लोग ने दो दो मेगा थीरियम को टेम कर लिया एंड मेटिंग करके हमें यहाँ पे एक बेबी भी मिल चुका है। एक्चुअली दो मिलना चाहिए था बट यहाँ पे पता नहीं कुछ तो सीन हुआ इसलिए हमें यहाँ पे एक ही बेबी मिला। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक बेबी जुवेनाइल पे हो चुका है एंड हमें दूसरा जो आर्मी है बनाने के लिए वो तो हम लोग आगे जाके कोशिश करेंगे। एंड ऐसे भी फाइट करने के लिए हम लोग का जो ये दो मेगा थीरियम है इन लोग का डैमेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा ओपी है, तो हमें इतना ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अगले एपिसोड में अपना आर्मी बढ़ाएंगे एंड जाके जो है ना किसी तो ओपी वाला डाइनो से फाइट लेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।